और पहली खबर में बात होगी आज इंटरनेट और वेबसाइट्स की। सुप्रीम कोर्ट ने अश्लील वेबसाइट्स बंद करने के लिए केंद्र सरकार को कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने आज कहा कि इसके लिए कानून, तकनीकी और प्रशासन को एकजुट करना होगा। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा है कि इस पर काम चल रहा है, लेकिन तकनीकी दिक्कतों के चलते इसे रोकने में मुश्किलें आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स की याचिका पर भी आज केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। बढ़ते साइबर आतंकवाद, अश्लील वेबसाइट और बेलगाम सोशल मीडिया के चलते इंटरनेट पर नियंत्रण की जरूरतें अरसे से महसूस की जा रही हैं। और यही हमारी आज की पहली खबर। जानकारी के साथ इंटरनेट मनोरंजन का भी सस्ता और बेहतरीन साधन है, लेकिन पूरी दुनिया में इसका जाल और लोगों तक आसानी से पहुंच होने की वजह से इंटरनेट की निगरानी और नियंत्रण भी बड़ी चुनौती है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सरकार से अश्लील साइटों के खिलाफ सख्ती से कदम उठाने को कहा है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि फिलहाल करीब 4 करोड़ अश्लील साइट हैं, लेकिन आए दिन इस तरह की वेबसाइटों को खुलने से लगाम लगाना बेहद मुश्किल काम है। जानकार भी मानते हैं कि पोर्न साइटें पूरी तरह से बंद नहीं की जा सकती हैं। पोर्नोग्राफी को पूरी तरीके से बंद कर सकते हैं तो वो मुझे लगता है फैक्चुअली इनएक्यूरेट रहेगा। आवश्यकता ये होनी चाहिए कि हम थोड़ा इसे प्रोएक्टिव अपना नज़रिया देखें और कहें कि हम पूरी पोर्नोग्राफी के साथ तो नहीं लड़ सकते, लेकिन अगर हम उसमें जो बहुत खतरनाक जाइल पोर्नोग्राफी है उस पर फोकस करें तब हम कामयाब हो पाएंगे। केंद्र सरकार ने कोर्ट को जानकारी दी है कि अश्लील वेबसाइटों के सर्वर विदेशों में हैं, जिससे उन्हें ब्लॉक करना बहुत मुश्किल होता है। सरकार वेबसाइटों पर बेहतर नियंत्रण के लिए उसके सर्वर भारत में लाने की ओर काम कर रही है। साथ ही एक सलाहकार समिति से इस समस्या से निपटने के लिए सुझाव मांगा गया है। मामले की अगली सुनवाई 6 सप्ताह बाद की जाएगी। पोर्नोग्राफी मटेरियल लाइक फोटोग्राफ्स शुड बी इमीडिएटली ब्लॉक्ड आफ्टर द एडवाइजरी कमिटी हैज मेड इट्स प्रपोजल्स। द गवर्नमेंट हैज प्रॉमिस्ड द कोर्ट दैट विद इन 4 वीक्स इट विल ब्रिंग टू द सुप्रीम कोर्ट बाय वे ऑफ एफिडेविट what steps the advisory committee has proposed and what steps the government has taken। दुनिया भर में अश्लील साइटों के अलावा साइबर आतंकवाद और सोशल मीडिया पर भी लगाम की जरूरत है। हाल में ISIS के अमेरिकी पत्रकार जेम्स फोले की हत्या से जुड़े वीडियो ने तो पूरी दुनिया को झकझोर दिया। वहीं सोशल मीडिया के जरिए अफवाहों और अमर्यादित टिप्पणियों पर भी जोर है। साइबर जानकार मानते हैं कि इसके लिए सख्त कानून बनाने और मौजूदा कानून सही तरीके से लागू करने की जरूरत है। मसलन भारत ने 26/11 के मुंबई आक्रमण के बाद साइबर टेररिज्म को एक घिनौना अपराध घोषित किया है। इस प्रोविजन को आपने सन 2009 में लागू भी कर दिया, लेकिन 2009 से 2014 तक किसी भी एक केस में उसको आपने इन्वोक नहीं किया, कोई केस दर्ज नहीं किए। तो पेपर टाइगर कानून बनाने का फायदा नहीं है, आवश्यकता है आप कानून को प्रॉपरली इंप्लीमेंट करें। सुप्रीम कोर्ट में पिछले साल एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी और एडल्ट पोर्न साइट पर प्रतिबंध लगाने की अपील की गई थी। इस मामले में जनवरी में देश में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि सरकार और कोर्ट के आदेश के बिना साइटों पर प्रतिबंध लगाना तकनीकी और व्यवहारिक रूप से मुमकिन नहीं है, जिसके बाद केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में नोटिस जारी करके जवाब मांगा था। रविंद्र सिंह शराण, राज्यसभा टीवी। तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जरूर दिया है और 4 हफ्ते के बाद सरकार को जवाब दाखिल करना है। सलाहकार कमेटी बनाई गई है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इसे रोक पाना मुमकिन है, किस तरह की दुश्वारियां हैं, क्या परेशानियां हैं और जो हमारे कानून है मौजूदा कितने मजबूत या कितने कमजोर हैं, समझने की कोशिश करेंगे अपने मेहमानों के साथ। हमारे साथ जुड़ रहे हैं चर्चा में रवि वी शारदा प्रसाद जी, जो कि इंडिपेंडेंट टेलीकॉम कंसल्टेंट हैं। सर, स्वागत है आपका। हमारे साथ मौजूद हैं प्रकाश के रे साहब, जो कि एडिटर हैं बरगद.org से। प्रकाश जी, स्वागत है। हमारे साथ कर्णिका सेठ, जो कि साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं। कर्णिका, आपको भी स्वागत है। शुरुआत कर्णिका मैं आपसे करना चाहूँगा, जिस तरीके की चिंता है ये मैं कहूं कि हर पेरेंट्स की चिंता है, हर दूसरे हिंदुस्तानी की चिंता है, पोर्नोग्राफी की बात हो या फिर अफवाहों को फैलाने का मसला हो इंटरनेट के जरिए, या फिर मैं कहूं कि कुछ इस तरह के वीडियोस जो कि हिंसक होते हैं, जो नहीं होने चाहिए, दिखने चाहिए, उन सबको क्या हमारे मौजूदा कानून में कुछ ऐसा है जिसके इससे रोका जा सके, या फिर कहा जाए कि कानून है ही नहीं हमारे पास? कानून तो है, जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000, उसमें काफ़ी प्रोविजंस ऐसे हैं। अब जैसे साइबर टेररिज्म को लेके सेक्शन 66F में ये डील किया गया है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी को भी डील किया है,
लेकिन जो सख्ती से इसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए वो प्रोविजंस अभी लैकिंग हैं। हमें लगता है कि आईटी एक्ट में और भी नए प्रोविजंस ऐसे होने चाहिए जिससे कि इन कानूनों की इन्फोर्समेंट अच्छे से हो पाए। मॉनिटरिंग फॉर एग्जांपल, जैसे हम कहते हैं ड्यू डिलिजेंस, ड्यू डिलिजेंस में आप देखेंगे कि कोई गाइडलाइन नहीं है कि प्री फिल्टरिंग गाइडलाइन, जैसे हम कह सकते हैं कि ISPs जो हैं उनके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, क्या ऑब्लिगेशन है, मैंडेटरी ऑब्लिगेशन कह सकते हैं उसे, कि वो उसको फिल्टर करें कंटेंट जबकि ऑनलाइन आ जाता है उसके बाद एक्चुअल नोटिस पे टेक डाउन हो रहा है, लेकिन क्या उसे पहले लगाने से पहले प्री फिल्टर करा जा रहा है। जो ड्यू डिलिजेंस गाइडलाइन कहती है कि हमें ड्यू डिलिजेंस अडॉप्ट करनी चाहिए, उसकी डेफिनेशन क्या है, वो क्या क्या पैरामीटर्स को फुलफिल करना होगा। चाइल्ड पोर्नोग्राफी जब हम कहते हैं हर मतलब हर कंट्री का जो कह सकते हैं आप इस टाइम पे कानून बहुत सख्त है, इंडिया में उसे इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर पा रहे हम। ISPs जो हैं उनके पास कोई मैंडेट ही नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है उनके लिए आज की डेट में कि वो फिल्टर करके उसे रिपोर्ट करें प्रोएक्टिवली। मतलब अभी तो ये है कि एक्चुअल नोटिस पे कंप्लेंट हुआ मिला और फिर आप उस पर एक्शन ले रहे हैं, प्री फिल्टरिंग की बात कहीं नहीं है। प्लस ये भी डिस्कस नहीं किया गया है कि भाई मैंडेटरी ऑब्लिगेशन है ISPs की टू रिपोर्ट सच कंटेंट ऑन अ प्रोएक्टिव बेसिस, तो एक ये इम्पोर्टेंट चीज भी है। पनिशमेंट्स हैं पर इतनी स्ट्रिंजेंट नहीं है जितनी होनी चाहिए काफी चीजों में, जैसे 66A अभी भी इसे भी डिस्कस किया जा रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट के आगे है ये मामला भी, तो उसमें भी 3 साल का पनिशमेंट, क्या ये इनफ डिटरेंस है या नहीं इस कंट्री में ये लॉ को रियली इन्फोर्स करने के लिए, और डिटरेंट होना चाहिए तो और स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स चाहिए जी। ये जरूरत है। प्रकाश जी, आपकी नज़र में, क्योंकि आप जुड़े हुए हैं एक ऐसी वेबसाइट जो चलाते हैं आप, क्या ये माना जाए कि जो कि कनिका कह रही हैं और जो कई लोग ये कहते हैं, मैं ये कहता हूँ कि जो लोग बड़े स्तर से वो कहते हैं कि प्री फिल्टरिंग जो है वो नामुमकिन सी दिखती है हिंदुस्तान में, क्या वाकई हकीकत है, या ये कहा जाए कि हमारे नियम जो हमारे कानून हैं वो उतने कड़े नहीं हैं कि उनको मजबूर कर सकें कि वो प्री फिल्टरिंग करें। देखिए, कानून के कड़े होने पे तो मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मैं उसका विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि दो चीज़ें इसमें, एक तकनीक वाला जो पक्ष आपने उठाया कि सरकार ने जैसे आज ही बताया कि 4,000 करोड़ या 4 करोड़ के आसपास जो है साइट्स हैं। इंटरनेट के आंकड़े ये बताते हैं कि 60% इंटरनेट पे जो एक्टिविटीज होती हैं, जो ट्रैफिक होता है वो पॉर्न से रिलेटेड है। इसका मतलब ये है कि इंटरनेट का बड़ा, बहुत बड़ा हिस्सा पॉर्न से रिलेटेड है। तो मैं समझता हूँ कि प्री फिल्टरिंग एज वेल एज उसको कम्प्लीटली स्टॉप करना न सिर्फ हमारे देश के लिए, हमारे देश के कानून के लिए या सरकार के लिए, बल्कि मुझे लगता है कि किसी भी सरकार के लिए बहुत मुश्किल है। हम जानते हैं कि सऊदी अरब, टर्की, लीबिया वगैरह में बड़े कानूनों के बावजूद पॉर्न के कंजम्पशन वहाँ बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं कहूँगा कि कानून में जो कुछ थोड़ी मोड़ी जानकारियाँ मैं शेयर करना चाहूँगा कि हमारे आईटी एक्ट में, हमारे कानून में पर्सनल कंजम्पशन ऑफ पॉर्न पे कोई रोक नहीं है अभी तक, जहां तक मैं, लेकिन चाइल्ड पोर्नोग्राफी में रोक है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी इन जनरल मैं कह रहा हूं, पोर्नोग्राफी चाइल्ड पोर्नोग्राफी पे लेके है। लेकिन अगर आप पर्सनल डिवाइस में, मैं नॉर्मल पोर्नोग्राफी की बात कर रहा हूं, कि जब तक आपको कंजम्पशन पे रोक नहीं है और इंटरनेट पे या पर्सनल डिवाइस पे आप कर रहे हैं, तो जो डाउनलोडिंग से रिलेटेड या शेयरिंग से रिलेटेड जो क्लॉजेस एग्जिस्टिंग हैं, जो कानून में हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं टकराहट होती है टेक्निकली। देखिए, पब्लिशिंग, तो मैं ये मानता हूं कि इलीगल है, इलीगल हां बिल्कुल, ये क्लेरिफाई करना जरूरी है कि आप खुद व्यू कर रहे हैं वो अलग चीज है, लेकिन अगर आप किसी इंफॉर्मेशन ऐसी ऑब्सीन एग्जैक्टली यही मैं कह रहा हूं पब्लिश कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं फिर पॉपअप के तौर पर वो आपके सिस्टम पे, नहीं लेकिन यही मैं कह रहा हूं, यही मैं कह रहा हूं कि जैसे मान लीजिए कि नारकोटिक्स बेचना या उसमें डील करना इलीगल है, लेकिन एज वेल एज नारकोटिक्स का कंजम्पशन भी हमारे यहां मना है, तो आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं कंजम्पशन कर रहा हूं, इसका मतलब वो चीज मेरे पास इलेक्ट्रॉनिकली या संभव पहुंच रही है। तो मैं तो एक आग्रह ये जरूर करूंगा कि एक बहस के बाद सरकार कम से कम कंजम्पशन को लेके कोई सीरियस व्यवस्था करे, वो कानून के थ्रू करे या क्या होगा वो मैं उतना टेक्निकली नहीं कह सकूंगा, लेकिन कंजम्पशन को लेके एक समझदारी की जरूरत हमारी सरकार को और हमारे समाज को बनानी होगी, नंबर दो। नंबर तीन मैं ये कहना चाहूंगा कि पोर्नोग्राफी सिर्फ कानून का या तकनीक का मामला नहीं है, पोर्नोग्राफी एक सोशल इशू भी है।
तो मैं समझता हूँ कि इस देश के सोशल साइंटिस्टों को और सरकार को और समाज को इस पे बहस करनी होगी। लेकिन प्रकाश जी, पोर्नोग्राफी कितना ह्यूमनाइजिंग है हमारे लिए? मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, इसलिए इसमें भी सर इसमें लेके डिबेट्स हुई हैं, इंडियन कोर्ट्स ने भी इसे देखा है इशू को। जब एडल्ट हैं, एडल्ट को क्या, जैसे न्यूज़पेपर है अब सब लोग पढ़ते हैं उसे, तो और भी एक जरिया हो गया, इंटरनेट इज ऑल्सो अ मीडियम, तो आप कितना लिबरलाइज कर सकते हैं या कितना रोक टोक लगा सकते हैं? एक एडल्ट को अगर कुछ एडल्ट कंटेंट देखना है तो उस पर रोक नहीं होना चाहिए, ये यूएस लॉ भी मानता है और काफ़ी कंट्रीज इसे अडॉप्ट करती हैं, और इंडिया में भी काफ़ी जजमेंट्स हुए हैं जिसमें ये कहा गया है कि हाँ, जहाँ तक चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेके है, दैट इज़ कम्प्लीटली बैंड, प्रोहिबिटेड। बट येस, अगर एडल्ट कंटेंट कोई एडल्ट देख रहा है अबव 18 ईयर्स ऑफ एज, दैट शुड बी अलाउड, बट ट्रांसमिशन पब्लिशिंग इज इलीगल। असल में दुनिया के कई ऐसे 17 कंट्री को मैं एग्जांपल पढ़ रहा था कि वहाँ पर इस तरह के सिस्टम हैं कि वहाँ पर इस तरह की साइट्स नहीं हैं, या फिर हैं तो उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होती है। हमने जो सरकार का एक एफिडेविट है वो ये कहता है कि हमने कई सारी साइट्स को बंद करने की कोशिश की, लेकिन अगले ही घंटे अगले मिनट वो नए नाम और नए स्वरूप में सामने आ जाती हैं। अब मेरा सवाल ये कि जो कंपनियाँ हैं जो इसे ऑपरेट कर रही हैं, जिन कंपनियों का डायरेक्ट रिलेशन है, क्या उन पर कोई इस तरह की कार्रवाई की प्रावधान नहीं है, इसलिए उसे बार बार जनरेट करने को मैं कहता हूं कि साहस दिखाती हैं, या फिर इनका जो एक लीगल पॉइंट ये कहा जा रहा है कि क्योंकि तमाम सेंटर्स यानी कि सर्वर्स दुनिया में अलग अलग देशों में हैं, इसलिए हमारी कंट्रोल वहां पर नहीं है? देखिए, इसमें कुछ तो बहानेबाजियां हैं और कुछ तकनीकी कमजोरियां भी, तकनीकी पक्ष भी है, पहलू भी है उसका। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि आप गाइडलाइंस दें, कानून बने, कानून को सख्ती से लागू, अब ये तो एक जुमला सा बन गया, कानून को सख्ती से पालन होना चाहिए, वो बाकी सारे कानूनों के मामले में ये बात उतनी सही है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि सर्वर भी, एक जगह आप बंद करेंगे दूसरा सर्वर पॉपअप होगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को आप, कुछ लोगों को आप रोक सकेंगे, कुछ लोगों को पकड़ सकेंगे, लेकिन आजकल बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं जो फिल्टरिंग को भी वो कर सकते हैं, सरपास कर सकते हैं। उसके अलावा एक वायरस मीडियम चला हुआ है, अब मान लीजिए कि आप वायरस के थ्रू भेज रहे हैं, अब वो पॉर्न है क्या है, डिकोडिफाइड भेज रहे हैं, इनक्रिप्टिक भेज रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि हम लोग ज्यादा इसको तकनीक पे न ले जाके और ज्यादा कानून पे न ले जाके, तकनीक और कानून के जरिए आप करें इसको रोकना असंभव है। एक टेक्निक है स्टेगनोग्राफी, उसमें अगर आपकी एक डेटा फाइल है या कोई वर्ड फाइल है, वो ऐसे लगेगा आपको म्यूजिक फाइल है, उसको कैमोफ्लेज किया जाता है। इसी तरीके से पिक्चर्स बच्चों की जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी रिलेटेड हैं, एमएमएसेस हैं, वीडियोस हैं, पिक्चर्स हैं, इमेजेस हैं, मॉर्फ की जा रही हैं, तो इंडिया में वो भी देखना होगा कि भाई सिम्युलेटेड और नॉन सिम्युलेटेड। अब आप देखिए पॉक्सो एक्ट जो है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, ये 2012 में इंडिया में आया, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में क्या हो रहा है? हम जब न्यूज़ रिपोर्ट्स देखते हैं तो स्पेशल कोर्ट्स ही नहीं बनाए गए कई स्टेट्स में, और स्टेट्स की क्या मशीनरी इस टाइम चल रही है या सेंट्रल इनिशिएटिव्स क्या हैं टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन ऑनलाइन? मैं इंटरनेट की बात कर रही हूँ, वैसे वेलफेयर स्कीम्स हैं रनिंग अबाउट चिल्ड्रन राइट्स, बट कितना प्रोटेक्शन चिल्ड्रन जो ऑनलाइन डेंजर्स फेस कर रहे हैं उसके लिए क्या इनिशिएटिव्स हैं? मेरे को कोई नहीं लगता एनजीओ कर रहे हैं कुछ, जहां पर कोई सजा हुई हो, कार्रवाई हो, ना मुझे लगता है कोई स्टेट गवर्नमेंट या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे कुछ ज्यादा गहराई से सोच रही है या कोई इनिशिएटिव कर रही है। इतना तक कि मैंने जब रिसर्च किया कि एनसीआरबी की साइट, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की साइट पे भी मुझे इसकी स्टैटिस्टिक्स नहीं मिली, नहीं मिले हैं। तो आप ये देखिए कि कितना काम करना है, नॉट ओनली लीगल टेक्निकल, बट मैं कहूंगी इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे बहुत कुछ लैकिंग है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स नहीं बनाए गए पॉक्सो एक्ट के अंदर। शारदा प्रसाद जी, अब जो दो अहम बातें हैं, पहली ये कि क्या ये हमारे बस में है कंट्रोल करना, या फिर जो कोर्ट कह रहा है कि आप लॉबी बनाइए, टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कीजिए, सिंक्रोनाइज कीजिए, क्या ये कोई ऐसा सिस्टम आपको दिखता है? क्योंकि बार बार दलील यही आती है सर्वर बाहर हैं, इस तरह के जो नए नए सिस्टम हैं, मैं कहूं कि वायरस के जरिए वो उसको पेंट्रेट करते हैं, तो आप कैसे रोकेंगे, कैसे इसको तस्दीक कर पाएंगे कि ये आप बिल्कुल सुरक्षित है? शारदा प्रसाद जी, किस तरीके से इसे आप देखते हैं कि क्या वो रेगुलेशंस हों, किस तरीके की टेक्नोलॉजी, और हम कैसे इस पे असरदार तरीके से लागू कर पाएंगे जो कि कोर्ट चाह रहा है, जो कि एक, मैं कहूंगा एक बड़े जो जनता की इच्छा भी है? नहीं, जितने भी जो प्रौद्योगिकी के समाधान हैं वो तो प्रयोगात्मक तौर से असंभव है,
कि जितने भी आप प्रतिबंध लगा देंगे ये अश्लील विवरण पर, लेकिन देर इज जितने भी फिल्टर लगा देंगे देर इज ऑलवेज अ वे टू गेट अराउंड द फिल्टर. इतने सारे एनोनिमाइजर साइट्स हैं जिनका उपयोग कर सकते हैं. anonymizer.com पर जाइए, फिर आप किसी भी आप संसार के किसी भी वेबसाइट को देख सकते हैं. hidemyass.com, इतने सारे एनोनिमाइजर साइट्स हैं जिनसे आप किसी भी फिल्टर या को यू कैन गेट अराउंड एनी फिल्टर इन द वर्ल्ड. ऑल्सो ये आज क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में यू डोंट नो कि ये कंटेंट कहाँ होस्ट किया गया है. क्लाउड कंप्यूटिंग में ये सर्वर कहाँ है, ये जो क्योंकि ये सारे जितने भी कंप्यूटर सर्वर्स हैं ये सारे विदेशी देशों में हैं जहाँ आपका इख्तियार नहीं है, आपका क्षेत्राधिकार नहीं है. और तो ये अश्लील विवरण के जितने भी वेबसाइट्स हैं इन पर इनकी अभिगमन इनका अभिगमन का पर प्रतिबंध लगाना ये तो बिल्कुल असंभव है. बस यही कर सकते हैं कि जो बाल उत्पीड़न है ना, जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी के साइट्स हैं उनके जो कि जितने भी लोग हैं उन पर कार्रवाई करा जा सकती है, लेकिन ये भी अत्यंत कठिन है. नहीं तो दुनिया के कुछ देशों इस पे मैं एक कमेंट देना चाहूंगी कि जो कन्वेंशन है इंडिया, जब हम दूसरी कंट्री से बात करते हैं बायलैटरल या मल्टीलैटरल ट्रीटीज के बारे में या कन्वेंशन के बारे में, इस मुद्दे को शामिल क्यों नहीं करते? राइट्स ऑफ चाइल्ड उस पे एक कन्वेंशन है जो इंडिया साइन कर चुकी है. ऑलरेडी वी ऑल्सो हैव अ कन्वेंशन टू कॉम्बैट ऑर्गेनाइज क्राइम, टेररिस्ट ग्रुप्स जैसे हैं. तो साइबर क्राइम को लेकर स्पेसिफिकली कोई कन्वेंशन साइन नहीं किया गया है, हालांकि EU कन्वेंशन भी है और भी कन्वेंशंस हैं, लेकिन राइट्स ऑफ चाइल्ड और ऑर्गेनाइज्ड टेररिस्ट अटैक्स उनको लेकर के ये कन्वेंशंस एग्जिस्ट करते हैं. लेकिन कितना कोऑपरेशन मिल रहा है इंटरपोल को या वैसे आपस में, वो कहना इस टाइम मुश्किल है क्योंकि MLAT की जहां तक बात करी जाए बहुत स्लो प्रोसेस है, ये सभी जानते हैं इस विषय में. इस बीच फोन लाइन पर अरविंद गुप्ता हमारे साथ हैं जो कि हेड हैं बीजेपी IT सेल से. अरविंद जी, सवाल ये कि जो कोर्ट ने कहा है और केंद्र सरकार ने जो एक तरीके से हलफनामा दिया चार हफ्ते में उसे जवाब देना है कि कैसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी या फिर इंटरनेट पर जो अश्लीलता है उसको रोकने के कदम उठाए जाएं. कोर्ट बहुत गंभीर है और एक तरीके से नाराज भी है कि कुछ कड़ाई से कदम नहीं उठाए जा रहे हैं. तमाम यहाँ एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये रोकना इसे नामुमकिन सा है क्योंकि इसके अलग अलग वजह हैं. क्या सरकार का रूट होगा, क्योंकि हमारे एक एक्सपर्ट का कहना है कि जब हम दुनिया के दूसरे देशों के साथ अलग अलग मुद्दों पर TT साइन करते हैं तो फिर इंटरनेट पर इस तरीके के जो सिस्टम आ रहे हैं या फिर मैं कहूं कि अश्लील ब्लॉगिंग की बात हो रही है, तमाम सिस्टम्स हैं साइबर क्राइम को लेकर, उस पर कोई पैक्ट हम क्या आगे बढ़ेंगे या क्या रूट मैप होगा आपकी नजर में? देखिए दो चीजें हैं, जितने भी विशेषज्ञ हैं और सब इस बात से एग्री करेंगे ये एक टेक्निकल और एक गवर्नेंस की प्रॉब्लम है. गवर्नेंस इंटरनेट की किसी क्षेत्र में लिमिटेड नहीं है. कोई छोटा सा देश में भी कोई सर्वर लगाकर इस जो ट्रीटी को साइन ना करे उसको अपलोड कर सकता है और वो इंटरनेट की ऐसी एक ऐसी रूपरेखा है कि कोई भी दुनिया में कहीं पर भी उसको एक्सेस करके देख सकता है. तो इसको टेक्निकली एक तरीके से सॉल्व किया जाना चाहिए. दूसरा, इसमें एक मानसिकता बदलने की बहुत जरूरत है कि जो देखिए फाइनली जो आदमी कंज्यूम करना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन को देखना चाहते हैं तो ही उसके लिए मार्केट होती है, तो ही उसको कंज्यूम करते हैं. अगर हमारी सोशल कॉन्शियस के ऊपर देखा जाए, जो हमारी सोशल मानसिकता है कि भाई चाइल्ड पोर्नोग्राफी ठीक नहीं है और उसको देखना ठीक नहीं है, तो उसको उसकी तरफ भी एक एजुकेशन का एस्पेक्ट आता है जो हमें करना बहुत जरूरी है. तीसरी चीज ये है कि हमें अपने पेमेंट सिस्टम और पेमेंट गेटवेज सारे इस देश में रखकर और उनको हमें ये बात देखनी जरूरी है कि पेमेंट के द्वारा तो लोग इस चीज को कंज्यूम नहीं कर रहे. अगर कोई पेड कॉन्टेंट है इसके अंदर तो उसको रोका जा सकता है और उसका एक ही तरीका है कि डोमेस्टिक पेमेंट गेटवेज को रोक दिया जाए. ऐसी भी किसी अश्लील साइट्स को सेडिशियस मैटर्स में जिसपे चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो, अश्लीलता में सेडिशियस मैटर्स हो, उसमें अगर कोई पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल हो रहा है तो उसको वहां से बिल्कुल रोका जा सकता है. अरविंद जी, लेकिन इसके दूसरे पहलू को मैं समझना चाह रहा था. कई बार हम सब जानते हैं और भुक्तभोगी हैं कह सकते हैं कि जब भी आप इंटरनेट पर जाइए, किसी साइट पर लॉगिन करते हैं, पॉपअप के तौर पर कई सारी इस तरह की अश्लील वेबसाइट सामने आती हैं. क्या इसको भी रोकने में हम नाकामयाब हैं? क्या इसके लिए भी कुछ और अलग हमें रास्ता चाहिए? सोशल आप जो बार बार बात आती है, अटक जाती है कि हमें सोच बदलनी होगी, हमें लोगों को समझाना होगा, हमें उससे दूर रहना होगा, लेकिन जो जानबूझ कर या फिर जबरन
हमें उसकी तरफ बढ़ा रहा है या वो हमारे सामने प्रेजेंट कर रहा है, क्या उसको रोकने के लिए भी हमारे देश में कोई कानून है? या दूसरा जो पहलू ये है जो हमारी पैनलिस्ट कह रही है कि अभी भी किसी भी स्टेट में जाइए कोई स्ट्रक्चर नजर नहीं आता है साइबर क्राइम को लेकर, कोई ऐसी सेल जिसको पता हो, नॉलेज हो रूल्स के बारे में, या फिर कभी कोई वहां पर इस तरह के मामलों पर FIR कोई कार्रवाई भी हुई हो। ये देखिए दो दो पहलू आपने बिल्कुल सही बोला कि पहली बात तो इनको ये जो जो चीजें जैसे आप कह रहे हैं एडवर्टाइजिंग है आपके, एकदम आप किसी एक नॉर्मल सी वेबसाइट को सर्व करते हैं और आपके सामने एक अश्लील एड आ जाता है और अपने आप बहुत सारी साइट खुल जाती हैं, इसके अंदर ये चीज को एक बहुत अच्छा पॉइंट है और इसको देखा जा सकता है कि इस पे कैसे प्रतिबंध लगाया जाए कि जो एड सर्वर्स हैं वही पेमेंट का कहीं ना कहीं पेमेंट का इसमें रिलेशनशिप आ जाता है कि जो एड सर्वर्स हैं वो ऐसे एड कंटेंट और ऐसे एडवर्टाइजमेंट कंटेंट अगर सर्व कर रहे हैं इंडिया में तो उस पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। दूसरा कहना चाहूंगी साइबर कैफे हैं हमारी डेट आज की डेट में रूल्स भी बना दिए गए साइबर कैफे के, कितनी मॉनिटरिंग हो रही है, इंस्पेक्टर्स जाते हैं कि नहीं जाते, मंथली बेसिस पे उनका ये पेमेंट आता है, ये होना चाहिए कि जाके उसे देखे जाए। क्या साइबर कैफेज को यही नहीं पता कि उनके मैंडेटरी लाइसेंसेस हो गए हैं, उनको ये नहीं पता कि रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी कहाँ है? कई बारी आई एम ऑल्सो टीचिंग द पुलिस सो आई नो दैट व्हेन आई गो एंड टॉक टू देम दे ऑल्सो कम बैक एंड से कि अच्छा ये रूल्स तो हैं बट इनका इम्प्लीमेंटेशन कितना हो रहा है, अपनी स्टेट्स में कितना चल रहा है वो देखना वाला है, ओवरऑल इंडिया का क्या स्टैटिस्टिक्स है। इस टाइम पे आप देखेंगे कि रजिस्टर्स, हम कई बार क्राइम केसेस करते हैं उस उनमें हम जब आईपी एड्रेस ट्रेस करते हैं वो मोस्टली टेररिस्ट अटैक्स वगैरह का या साइबर पोर्नोग्राफी का आईपी एड्रेस लोकेट होता है। क्यों? साइबर कैफे क्यों? क्योंकि वहां लॉग्स मेंटेन नहीं हो रहे। आप रजिस्टर्स खोल के देखिए कुछ मेंटेनेंस नहीं हो रहा, दैट इज अ मेजर लैक्यूना इन द एनफोर्समेंट। सो वो कितना हम रूल्स को अडॉप्ट कर रहे हैं, कितना हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो देखना जरूरी है। नॉट ओनली दैट सर, सर्ट है हमारे पास कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, वो उनके पास एक पावर है, इट इज गॉट द पावर टू चेक द एंड ब्लॉक द कंटेंट ऑल्सो, तो वो कितना प्रोएक्टिवली मॉनिटरिंग कर रही है क्योंकि उनके पास ये मैंडेट है, उनको करना ही है पब्लिक पॉलिसी के लिए या आप कह सकते हैं पब्लिक ऑर्डर के लिए। दे हैव द पावर नॉट ओनली टू प्रोटेक्ट नेशनल इंटेग्रिटी बट ऑल्सो पब्लिक यू नो ऑर्डर। सो क्या ये चीज़ पब्लिक ऑर्डर में नहीं आएगी? ये चीजें देखने के लिए हमें आई थिंक ये सुप्रीम कोर्ट का भी मेजर रोल रहेगा, कैसे इसे प्रोएक्टिवली कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इन्फोर्स जी, ये दोनों बहुत अहम है कि साइबर लॉ को लेकर हमें लगता है कि हम उसको टेकन फॉर ग्रांटेड के तौर पर लेते हैं और तमाम नियम कायदे कानून जो कहा जाता है कि टाइगर रूल्स हैं वो बना दिए गए हैं, कागजों तक सीमित हैं, हकीकत में शायद ही 1% उसका इस्तेमाल या फिर उसको अमल में लाया जाता हो। नहीं, क्या है कि ये सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट जो है उसमें धारा 67 डील्स विथ ऑब्सीन कंटेंट, 67A डील्स विथ ट्रांसमिशन ऑफ सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट एंड 67B डील्स विथ चाइल्ड पोर्नोग्राफी। तो इसमें देखना है कि जो बाल उत्पीड़न है, जो चाइल्ड अब्यूज है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ये तो हर जगह इलीगल है, अनियमित है हर जगह, परंतु इसके ये जो अश्लील विवरण को पर प्रतिबंध लगाना ये तो अत्यंत असंभव है। तो इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू ब्लॉक एक्सेस टू एनी वेबसाइट। आई कैन गो टू मेरे एंड्रॉयड डिवाइस पर आई कैन डाउनलोड सम अनोनिमाइजर्स विच विल अलाउ मी टू एक्सेस एनी वेबसाइट इन द वर्ल्ड बाईपासिंग एनी फिल्टर। आई कैन पुट दैट ऑन माई कंप्यूटर, आई कैन ऑल्सो अनोनिमाइज, आई कैन हाइड माई आईपी एड्रेस सो दैट यू कैन नॉट ट्रेस बैक टू मी दैट आई एम एक्सेसिंग दीज वेबसाइट्स। तो इट इज टेक्नोलॉजिकली इट इज इम्पॉसिबल टू डू दिस एंड यू डोंट नो वेयर द servers are now with cloud computing. One part of the website is hosted in one country, the other part of the website is hosted in the second country, another part of the website is hosted in the third country. अब आपका इन पर कोई इख्तियार नहीं है, कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। अगर जो भी अगर पकड़े भी गए हैं उनको वापस प्रत्यर्पण करना, एक्सट्राडाइट करना बहुत अत्यंत कठिन है। आप कह रहे हैं कि रूट जो है बहुत लंबा है, पेचीदा है और फ्रूटफुल नजर नहीं आ रहा जितना लॉन्ग दिख रहा है प्रोसेस ये। एक पॉइंट और है सर, इसमें हम लोग चाइल्ड पोर्नोग्राफी तक ही सीमित हैं इस टाइम पे, तो हमारी डिस्कशन ज्यादातर उस पे चल रही है, बट और कितने डेंजर्स हैं चिल्ड्रन को ऑनलाइन जिसके ये कोई लॉ ही नहीं बनाया गया है। आज की डेट में नए नए कॉन्सेप्ट हैं जैसे सेक्सटिंग, साइबर बुलिंग जो स्कूल्स में भी आजकल शुरू कर दिया है बताना बच्चों को, और बहुत सारी तरीके की चीजें हैं जैसे साइबर ग्रूमिंग, प्रिडेटिंग।
So all these things are all new, which probably our IT Act, as I see today, and I can find out there are a lot of lacunas. So, Karnika, लंबा विस्तृत मैं कहूँ दायरा है, क्योंकि दो और बात में जोड़ना चाह रहा था इसमें, प्रकाश साहब, कि इस वक्त इंटरनेट के जरिए, सोशल साइट्स के जरिए हम देखते हैं कि किसी भी आदमी के बारे में कोई अफवाह फैलानी हो, किसी भी मुद्दे के बारे में, वो भी बाकायदा चलता है प्रोपेगेंडा के तौर पर। लेकिन क्या ऐसे मसलों पर भी हम लगाम नहीं लगा पाते हैं? ऐसे मसलों के लिए भी क्या हमारे पास नियम कानून नहीं है? या फिर ये कहा जाए कि पता ही नहीं है कि असल में ऐसे मसले पर कार्रवाई किसे करनी है और कैसे करनी है? देखिए, इसमें एक चीज़ हमको समझना होगा कि अभी भी हमारी सरकारें और कानून, लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज हैं, वो पुराने ढर्रे के हिसाब से चलती हैं कि एक पिरामिडिकल स्ट्रक्चर है, एक टॉप है फिर बॉटम है। लेकिन इंटरनेट की दुनिया जो है और ये जो साइबर की दुनिया है, वो हॉरिजॉन्टल है, वो वर्टिकल नहीं है। तो वो आपको उसके मिजाज के हिसाब से ही आपको अपनी एक्टिविटीज करनी होगी। मसलन अब जैसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी को हम रोक नहीं सकते, ये बात निकल के आ रही है, लेकिन जो चाइल्ड पोर्नोग्राफिकल कंटेंट इंडिया में जनरेट हो रहा है या इन जनरल पोर्नोग्राफिक कंटेंट जो इंडिया में जनरेट हो रहा है, तो हम उसको इंटरनेट पे रोक पाए चाहे नहीं रोक पाए, लेकिन उसके लिए तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉ है, साइबर लॉ के अलावा भी लॉ है, तो हम क्यों नहीं कार्रवाई कर पा रहे हैं? आपको मैं बताऊं, इस बारे में अखबारों में, मीडिया में सालों साल से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पता नहीं उस राज्य का नाम लेना उचित होगा कि नहीं, जो कि हमारे यहाँ टूरिज्म का बहुत बड़ा अट्रैक्टिव सेंटर है, वहाँ पे चाइल्ड पोर्नोग्राफी एक ऑलमोस्ट एक ऑर्गेनाइज्ड और ओवर्टली ऑर्गेनाइज्ड, कोई ऐसा भी नहीं है कि बहुत नीचे नीचे कोई मटका खेल रहा हो और कोई जो है नारकोटिक्स बेच रहा हो। तो मुझे लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि जिन कानूनों का वायलेशन हमारे देश की चारदीवारी के भीतर हो रहा है, फिजिकल फॉर्म्स में हो रहा है, कम से कम उनको तो रोकें। तो मुझे लगता है कि और दूसरी चीज, आपने कहा कि ये हेट स्पीचेज और बाकी चीजें, कि जब आपका स्ट्रक्चर हॉरिजॉन्टल है तो कम्युनिटी वाइज आप लोगों को साथ में लीजिए, आप यूजर्स को साथ में लीजिए, आप उन जो एक्टिव कम्युनिटीज हैं आप उनको साथ में लेके कि मैं, मुझे कोई चीज आई तो मेरे पास कोई जरिया हो कि मैं वहां सूचित कर सकूं, मेल भेज सकूं कि भाई ये देखिए जरा चेक करिए, ये गड़बड़ है। तो इस मुझे खुद अपना अनुभव है कि कई सोशल साइट्स पे, सोशल मीडिया साइट्स पे कंप्लेन के बावजूद भी उन लोगों ने उन ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल्स को नहीं हटाया है। तो मुझे लगता है कि आपको बिना कम्युनिटी को साथ लिए हुए, जो पहले हम लोग सोसाइटी जिसको कहते थे, समाज, इंटरनेट कम्युनिटीज के अच्छे लोगों को, एक्टिव लोगों को, समझदार लोगों को, जागरूक लोगों को आप जब तक साथ नहीं लेंगे, आप सिंथेसिस करते रहिए। ये एक और चीज है, जी, पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि पेरेंट्स और एजुकेटर्स जो हैं इस टाइम पे, लॉट ऑफ देम डोंट इवन नो कि भी आपके पास सॉफ्टवेयर टूल्स अवेलेबल हैं, हार्डवेयर बेस्ड टूल्स अवेलेबल हैं, जिससे कि आप जितने भी घर के गैजेट्स हैं, आजकल बच्चे मोबाइल उठाते हैं, इंटरनेट है, उसी ब्रॉडबैंड से आप, लैपटॉप है, टैबलेट है, सभी पे एक सिंक्रोनाइज्ड वे में एक फिल्टर्स लगा दिया जा सकते हैं, जो एटलीस्ट चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करें। जब तक एनफोर्समेंट है, ठीक है, एनफोर्समेंट अपना काम कर रही है, पर पेरेंट्स और एजुकेटर्स सिक्योरिटी के लिहाज से जो है आप कदम उठा सकते हैं, ये मौजूद हमारे पास सिस्टम, वो कहना एज एन एडिशनल मेजर अच्छा रहेगा। नहीं, एक और चीज है ना कि भारत में ही बहुत सारा पोर्नोग्राफिक कंटेंट भारत में ही जनरेट हो रहा है, और काफी चाइल्ड पोर्नोग्राफी, बाल उत्पीड़न भी भारत में ही जनरेट हो रहा है। और क्या हो रहा है ना कि आजकल बहुत सारे ये हिडन कैम्प्स हैं, हर जगह हिडन कैम्प्स हैं, हर होटल में हिडन कैम्प्स होते हैं, कई बिल्डिंग्स में हिडन कैम्प्स होते हैं, और जैसे जितने भी चेंजिंग रूम्स हैं, बाथरूम्स, टॉयलेट्स में भी हिडन कैम्प्स होते हैं, और इतना सारा जो इलीगली फिल्म्ड कंटेंट है भारत में वो अपलोड हो रहा है, और कई सारे सर्वर्स इंडिया में ही हैं जिनके, और जो जितने भी कानूनी अधिकार है, पुलिस है, उनके पीछे तो नहीं कर रहे हैं, इतना सारा कंटेंट है मेरे पास। यही बड़ा सवाल है कि असल में इतना सब कुछ होने के बाद, मैं हजार वेबसाइट्स बता सकता हूं उनके यूआरएल जो इंडियन कंटेंट नहीं, ये बिल्कुल हजार ही, मैं तो कह रहा हूं कि दसियों हजार ऐसी साइट्स हैं। लेकिन सवाल ये है, कनिका, एक आखिरी क्वेश्चन आपसे, अब तक किसी मामले में कोई सजा हुई हो जो एक आइडियल दिखता हो, या मैं कहूं किसी राज्य में किसी साइबर सेल, क्राइम सेल जो है होती है, उसने कोई ऐसा कदम उठाया कि जिसे लगे कि हाँ भाई ये कुछ काम हो रहा है? मुझे तो लगता है नहीं कि किसी भी राज्य में कोई ऐसी कार्रवाई हुई भी होगी।
देखिए एक दो कन्विक्शन ज़रूर हुई है साइबर लॉ में बट अब एज ए आईटी एक्ट में, लेकिन चाइल्ड पोर्नोग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है उसमें कन्विक्शन होनी अब ज़रूरी है क्योंकि लोग रिपोर्ट भी नहीं करते. कई बारी तो लोग रिपोर्ट नहीं करते, स्पेशली अगर पेरेंट्स को ही पता चल जाए कि उनका बच्चा किसी ऐसी इमेज उनकी अपलोड हो गई है, जाने अनजाने में ऐसा कोई काम हो गया है, तो पेरेंट्स ही कई बार रिपोर्ट नहीं करते. और अगर रिपोर्ट हो जाए तो वो मीडिया का के डर से आगे नहीं बढ़ाते. कई बार तो ये भी होता है लोगों को पता नहीं होगा इसको कहाँ पे इसकी हम शिकायत करो, शिकायत होने के बाद कार्रवाई भी नहीं होती है क्योंकि एफआईआर ओपन में आ जाती है, बच्चे का नाम आ सकता है, पेरेंट्स का नाम आ सकता है, वो सब डर के मारे कह सकते हैं कि वो नहीं इस चीज को आगे बढ़ाना चाहते हैं. चले बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस बहुत ही अहम मसले पर अपनी राय और कानूनी और तकनीकी पहलुओं को समझाने के लिए. और ये थी हमारी आज की पहली खबर.